हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इंद्र जीजा, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे हालांकि मैं दो तीन वीडियो बना चुका हूँ कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं मोबाइल से, लेकिन आज की जो वीडियो है वो मेरे साथ कुछ घटनाएँ हुई। कल मेरी विंडो उड़ गई और उसके बाद मेरा लैपटॉप में कुछ झोल झपाट हो गया, विंडो इंस्टॉल नहीं हो पाई। तो मैंने कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाई मोबाइल से और कैसे इंस्टॉल करी, मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, देखते हैं क्या दोस्तों ये रहा मेरा लैपटॉप। तो दोस्तों ये रहा मेरा लैपटॉप। मेरा लैपटॉप का मॉडल है एसर ES1512, और इसमें इसका जो बायोस है वो मैं बता देता हूँ आपको कि बायोस इसका जो है वो मॉडर्न सिस्टम है। मॉडर्न बोले तो UEFI बेस्ड बायोस है इसका। UEFI भी है और लेगेसी भी है। तो जो जितने भी मैंने पहले लोगों को बता रखा है कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं मोबाइल से और कैसे उसमें फिर इंस्टॉल करते हैं, तो मैं उसके लिए एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो UEFI बेस्ड बायोस होते हैं वो आप जैसे कि मैंने मोबाइल से बनाया बूटेबल तो वो अपने आप ही उठा लेते हैं वहाँ से। वो ऐसा नहीं ढूंढते कि बस बूटेबल ही होना चाहिए प्रॉपर, जैसे कि हम PC में करते हैं रूफूस के थ्रू या फिर कमांड से बनाते हैं बूटेबल पेन ड्राइव। तो जो UEFI बेस्ड बायोस होते हैं वो आसानी से उठा लेते हैं। तो मेरे इस केस में हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरा लैपटॉप है वो उसकी जो डिस्क की जो पार्टीशन थी वो GPT बेस्ड थी, और मैंने जो और जब मैंने विंडोज़ मेरी उड़ी थी, जब मैंने उड़ाई थी विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ 10 लाइट था उसमें, तो मैंने सोचा कि इसको उड़ा देता हूँ क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत कम है। और तब मैंने इसको विंडोज़ को जब उड़ाया था तब मैंने इसमें GPT बेस्ड पार्टीशन था इसका, और मैंने जो बूटेबल पेन ड्राइव बना ली थी मैंने गलती से MBR बेस्ड बना ली थी। और मेरे पास MBR बेस्ड बूटेबल पेन ड्राइव थी विंडोज़ 8.1 का, तो मैंने वो डाला था। तो वो डालते वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, और फिर मैंने इंस्टॉल करने के लिए गया और मेरे साथ पंगा हो गया कि अब मैं GPT बेस्ड, मेरा हार्ड डिस्क था, तो मैं जब विंडोज़ इंस्टॉल करने गया तो वो कह रहा था आपका GPT बेस्ड आप इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते, अगर आपको इसमें इंस्टॉल करना है तो आपको इसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा डेटा था इसमें दूसरे पार्टीशन में, जो मैंने इंद्रजीत के नाम से बना रखी थी उसमें मेरा डेटा था, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। तो मुझे क्लीन इंस्टॉल करना पड़ता और GPT टू MBR करना पड़ता, मुझे वो नहीं करना था। अगर मुझे वो करना होता तो मैं बहुत आसानी से कर सकता था और इंस्टॉल कर सकता था, कोई मैटर नहीं था कि GPT है या MBR है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई पंगा हो रहा है तो प्लीज़ क्लियरली समझ ले कि आगे होने क्या वाला है, वरना आप डेटा से हाथ धो बैठोगे और आपका हो सकता है इंपॉर्टेंट डेटा हो। अब मैंने ये चीज़ करी कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी USB पेन ड्राइव है छोटी सी, ये मैंने इसमें लगा रखी है ये वाली पेन ड्राइव, और ये मैंने पेन ड्राइव भी मोबाइल से बूटेबल बनाई है, और ये विंडोज़ 10 का लाइट वर्जन जो है, क्योंकि मैं मोबाइल डेटा से ISO फाइल मैंने डाउनलोड करी थी मोबाइल में, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने विंडोज़ 10 का लाइट वर्जन डाउनलोड किया था। वैसे तो कई ISO मैंने ट्राई कर लिए लेकिन इसमें UEFI बेस्ड है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ तो हो नहीं रहा था, तो मुझे कई ISO ट्राई करने पड़े और अंत में जाके ये वाला इंस्टॉल हो रहा है। पहले 7 भी हो गया था लेकिन 7 में UEFI बेस्ड था, तो 7 इसमें स्टार्टिंग पे स्टक कर रहा था, मतलब स्टार्टिंग विंडोज़ जो आता है 7 का वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा था। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मोबाइल में मैंने कौन सा ISO फाइल डाउनलोड किया है। तो चलते हैं अभी ओपेरा मिनी में, और मैंने जो ISO फाइल डाउनलोड किया है वो मैंने गेट इन टू PC से करा है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको वैसा ही करना हो तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा। तो ये रहा मेरा फ़ोन, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो गेट इन टू PC का आप देख रहे हो, यहाँ से मैंने 2.51 GB का 10 घंटे पहले रात को मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दिया था, और अभी मैं 9 बज रहे हैं यानी कि कोई दुकान वकान भी नहीं खुली। तो ऐसा मत सोचना कि ये बूटेबल पेन ड्राइव बना के लाया, मैं आपको उस पेन ड्राइव में क्या है वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये ISO फाइल डाउनलोड करी है मैंने, और मैं आपको ये भी दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने कितने और ट्राई कर चुका हूँ इसमें। तो मैं 7 का भी ट्राई कर चुका हूँ, 7 यहीं पर पड़ा हुआ था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड्स में आप देख सकते हो। ये रहा एक ISO गेट इन टू PC का, ये रहा एक ISO। तो मैंने कई सारे ISO ट्राई किए, लास्ट में जाके ये वाला मेरे लिए काम किया। और मैंने इसको किया कैसे, तो मेरा जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि UEFI बेस्ड है, तो मैंने बस फाइल को एक्सट्रैक्ट करा, तो वो मुझे पता है वो बूटेबल नहीं बनती। लोग बाग कहते हैं कमेंट में गाली देते हैं कि भाई बूटेबल तो बनी नहीं है, तू कैसे इंस्टॉल कर रहा है। तो भाई मैंने बूटेबल नहीं बनाई, मेरे को पता है, लेकिन मैंने बस फाइल एक्सट्रैक्ट करा RAR की हेल्प से, जो मेरी आप पहले की वीडियो में देख चुके हो, नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में है RAR से, बस फाइल को एक्सट्रैक्ट करा पेन ड्राइव में ISO फाइल को, और वो
वो फिर मैंने विंडोज़ जो बूटेबल ही बन गई समझो, वो मैंने लगा दी इसमें लैपटॉप में और मेरा लैपटॉप रन करने लगा, विंडोज़ का सेटअप इसमें चालू हो गया और आप देख सकते हो कि प्रॉपरली इंस्टॉल हो रहा है। आगे अभी क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये अभी तक प्रॉपरली इंस्टॉल हो रहा है, वर्क कर रहा है। अब आते हैं उन लोगों पे जिनका अभी बूटेबल पेन ड्राइव जो है वो रार से नहीं हो रहा और जिनका UEFI नहीं लेगेसी वाला BIOS है। UEFI है तो भाई 100% ये वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका लेगेसी बेस्ड BIOS है तो उसमें आपको क्या करना है, आपको 2-3 ऐप बता रहा हूँ मैं आपको ट्राई करने हैं। एक ये एच ड्रॉइड करके ऐप है, प्ले स्टोर पर जाता हूँ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। फोकस, हाँ ETCH, ये एच ड्रॉइड करके ऐप है। हो कहाँ गया, अच्छा मेरे फ़ोन में ये ऐप सपोर्टेड नहीं है तो यहाँ पे सर्च में नहीं आ रहा, मैंने APK डाउनलोड किया है इसका। ये रहा एच ड्रॉइड करके एप्लीकेशन है, इसमें आपको जाना है और इसमें आपको राइट रॉ इमेज और ISO ये वाला सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे OTG से आपको अपने इसमें पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है। OTG आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये एक OTG है और ये इस OTG से इस पेन ड्राइव को कनेक्ट करके, अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं है तो आप खरीद सकते हो अमेज़ॉन से, अभी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं क्योंकि बहुत हेल्प करता है आपके पास अपना पर्सनल एक पेन ड्राइव होना चाहिए। तो ऐसे आपको कुछ ऐसे कनेक्ट करना है इसमें और ये एच ड्रॉइड एप्लीकेशन के वजह से आपको ISO फाइल अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और यहाँ से सेलेक्ट करके आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी है ISO वाली। मेरे में प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, प्ले स्टोर पर भी आ चुका था कि आपके में सपोर्टेड नहीं है क्योंकि मेरे में 8.1 ओरियो है, पता नहीं क्यों 8.1 हो रही हो तो लेटेस्ट वाला ही समझो। और यहाँ पे मेरे में देखिए OTG कनेक्टेड है फिर भी ये दिखा रहा है कि नो USB ड्राइव्स डिटेक्टेड, तो हो सकता है आपके फ़ोन में ये काम करे और ये करता है, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो एच ड्रॉइड एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप ISO को बूटेबल कर सकते हैं अपनी पेन ड्राइव में और वहाँ से आपका लेगेसी वाला जो विंडोज़ का सिस्टम है वो काम कर जाएगा। और जो दूसरा ऐप बताना चाह रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, वो है प्ले स्टोर पर जा रहा हूँ मैं और दूसरे ऐप का नाम है ISO to USB। इस ऐप के भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, ये मैंने इंस्टॉल करके देख लिया पर ये वाला भी मेरे फ़ोन में काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है मेरा स्टॉक एंड्रॉयड है तो हो सकता है इसमें काम नहीं कर रहा हो। आपका अगर MI का फ़ोन है या फिर अदर कंपनीज़ का फ़ोन है तो हो सकता है आपके में काम करे, तो प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिएगा ISO to USB। हालांकि इसमें एड्स बहुत आते हैं लेकिन ऐप आपको अपना काम निकालना, उससे कुछ नहीं है, ऐड थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेना। आपको यहाँ पे करना है पिक USB पिन ड्राइव, यहाँ पे पिक करना है। आप मेरे में नो डिवाइस डिटेक्टेड आ रहा है लेकिन मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मेरा जो पेन ड्राइव है USB ड्राइव वो कनेक्टेड है लेकिन मेरे में सपोर्टेड नहीं है ये ऐप, इसलिए नहीं आ रहा। तो आपके में यहाँ पे सिलेक्टेड आएगा, आपको USB सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना ISO फाइल सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और ISO फाइल सेलेक्ट करते ही नीचे आपका जो ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे अभी स्टार्ट का, फॉर्मेट USB ड्राइव जरूर कर लेना, जो भी आपका इसमें डेटा होगा वो फॉर्मेट हो जाएगा और आपको यहाँ से फिर रन कर देना है उसको और आपकी बूटेबल पेन बन के तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों फाइनली मेरा विंडोज़ इंस्टॉल हो चुका है और ये यहाँ पे कुछ आ रहा है कि दिस कॉपी ऑफ विंडोज़ इज़ नॉट जेन्युइन, यू शुड आस्क फॉर अ रिफंड इफ़ यू हैव पेड फॉर दिस कॉपी। तो ऐसा कुछ आ रहा है, इसका तो हम कर देंगे सेटल। हाँ ये जेन्युइन नहीं है, हमको मालूम है क्योंकि हमने तो फ्री में डाउनलोड करी है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैं आपको बता रहा था कि जो मैंने ये पेन ड्राइव लगाई है, ये वाली पेन ड्राइव जो मैंने लगाई है यहाँ पे, इस ये बूटेबल सही से नहीं बनी, इसका प्रूफ क्या है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, ये रहा USB ड्राइव। पहली बात 8GB की USB ड्राइव है, यहाँ पे शो हो रही है। अगर ये बूटेबल होती तो यहाँ पे विंडोज़ का एक आइकन आता है ब्लू कलर का, अगर वो बूटेबल पेन ड्राइव में आता है। ठीक है, अब इसके अंदर जाते हैं, हम देखते हैं इसकी फाइल्स को चेक करते हैं जो हमने एक्सट्रैक्ट करी थी। अब ये देखो एक्सट्रैक्टेड फाइल्स यहाँ पे हैं सारी। ठीक है, ये एक्सट्रैक्टेड फाइल्स जो मैंने एक्सट्रैक्ट करी थी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक एंड्रॉयड का फोल्डर, एक यहाँ पे लॉस्ट DIR कर का फोल्डर। ये आप अगर मोबाइल से बूटेबल बनाते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, कितना भी डिलीट कर लो ये ऑटोमेटिकली बन ही जाते हैं मोबाइल में। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ आप कह सकते हो कि प्रूफ ही है इसका कि यहाँ पे बन चुका है, मतलब कि मोबाइल से ही बना हुआ है। एंड्रॉयड और लॉस्ट का फोल्डर तो आपके में रहेगा ही रहेगा, ये मैंने कुछ कॉपी करके नहीं डाला। और अगर ये बूटेबल होती ना तो यहाँ पे आइकन जरूर आता, बूटेबल का आता है यहाँ पे। ठीक है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा जो डेटा था वो मेरा डेटा बिल्कुल बचा हुआ है, मैंने कुछ मतलब कि सारा डेटा मेरा है ऐसे का ऐसा ही,
देखो 199 में से 40 GB 45 GB फ्री है, तो ऑलमोस्ट 150 GB का मेरा डेटा है इसके अंदर, सारी चीज़ें हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह वगैरह। तो ये USB ड्राइव ऐसा था, और इसमें आप एक चीज़ गौर करने वाली है कि जो सेटअप है वो सेटअप भी नहीं है इसमें, बस ऑटो रन का एक ये है जो setup.exe करके कोई फाइल होती है, वो भी इसके अंदर नहीं है। तो आप ये समझ सकते हो कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका ऐसे मतलब कि नहीं आता इसके अंदर सेटअप, और मेरा ऑटो रन का भी नहीं है इसमें लेकिन फिर भी इंस्टॉल हो गया, मतलब कि UEFI में। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि यही होता है, और मैं अभी आपको BIOS भी दिखा देता हूँ अपना। अभी तो मेरा इंस्टॉल हो गया है तो मुझे कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से बंद कर रहा हूँ और मैं आपको अपना BIOS दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। BIOS देख लो मेरा कैसा BIOS है, पेन ड्राइव को निकाल के रखा बाहर। और अगर आपको पूरा प्रोसीजर देखना है कि कैसे मैंने रार से मैंने करा है, मेरे BIOS का पासवर्ड डाल देता हूँ, कैसे मैंने करा है तो आप आई बटन में जाके देख सकते हो। मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो में पूरा समझा रखा है कि रार से कैसे बनाते हैं, लेकिन आपको मैंने 2-3 और भी सॉल्यूशंस बता दिए कि कैसे होता है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मेरा जो बूट है आप देख सकते हो, बूट जो मेरा है UEFI है, ठीक है। अब मैं इस पर अगर लेगेसी पे करता हूँ तो लेगेसी पे भी हो जाएगा, लेकिन मेरा UEFI है। अगर लेगेसी में करता तो बिल्कुल भी नहीं होता, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं अभी लेगेसी ही कर लेता हूँ, एक बार लेगेसी करा मैंने, ठीक है, ओके 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 एग्जिट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेन ड्राइव को इंसर्ट कर रहा हूँ और F12 दबाऊंगा मैं ताकि बूट मेन्यू ओपन हो जाए। F12 मैंने आपको पहले ही बता रखा है, F12 से बूट मेन्यू ओपन होता है, वहाँ से हमको पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। मैंने सेम पेन ड्राइव लगाई है, मैंने कोई वीडियो कट नहीं करा, देख सकते हो पेन ड्राइव लगी हुई है। और अब यहाँ पे मैं USB HDD जो आ रहा है जेनरिक फ्लैश ड्राइव, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया इसको, अभी आप देखना यहाँ पे आएगा कि कोई USB इसको फाउंड नहीं हुई, ठीक है। नो बूटेबल डिवाइस, इंसर्ट बूट डिस्क एंड प्रेस एनी की। ये मैंने पेन ड्राइव लगी हुई है इसमें, ठीक है, उसके बाद भी ऐसा आ रहा है। मैं कितना भी स्पेस उसे दबाऊंगा ये नहीं उठाएगा विंडो यहाँ से। तो लेगेसी में ये सिस्टम होता है, लेगेसी में आपको जो ऐप्स मैंने बताया ना 2-3 ऐप्स, वो आपको ट्राई करने हैं। इससे नहीं होगा लेगेसी में भाई, मेरे में भी नहीं हो रहा, ठीक है, UEFI में हो जाएगा। अभी मैं आपको यही सेम चीज़, मैंने बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ लगा रखी है, ठीक है, ये विंडोज़ भी नहीं बता रहा कि आपके में विंडोज़ है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जाता हूँ अपना BIOS फिर से चेंज कर लेता हूँ एक बार। तो BIOS का चेंज करते ही, लेगेसी से UEFI करते ही मेरा विंडोज़ चालू हो चुका है और मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी फुल। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको किसी फ्रेंड को इस वीडियो की जरूरत है तो उसके साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे भी चैनल के सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाए।